इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 5 लाख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो क्या पता चला कि जो वैक्सीन आपने दिलवाया था, जो टीका कोरोना में आपने दिलवाया था, उसका लाइसेंस देने के लिए कि हाँ ये वैक्सीन सही है कि गलत है, उसको दिलवाने के लिए कोविड वैक्सीन जो एक नकली वैक्सीन है, जिसको लेने से हार्ट अटैक की बीमारी और ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैक्सीन कंपनी ने ब्रिटेन में, लंदन में, कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया कि ये वैक्सीन लेने से, ये कोरोना का टीका लेने से हार्ट अटैक की बीमारी और ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है। ऐसे कोविड वैक्सीन को मोदी जी की सरकार ने परमिशन दिया, लाइसेंस दिया कि हाँ आप इस टीके को बेच सकते हैं, लगवा सकते हैं, और उसके बदले में 6000 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनी से बीजेपी ने चंदा लेने का काम किया। तो सोचिए ये किस तरह से लाश की राजनीति करने वाली पार्टी है, कफन की राजनीति करने वाली पार्टी है। और साथियों, गौ रक्षा की बात करने वाले कहते हैं गौ हमारी माता है, हम भी कहते हैं गौ मेरी माँ है, हमारी माँ जो 9 महीना कोख में जन्म देती है और साल भर दूध पिलाती है छाती का, लेकिन गाय पूरे जीवन भर दूध दही मक्खन हमको खिलाती है, तो दूसरी माँ हमारी गाय है। हम कहते हैं अगर मोदी जी के कलेजे में दम है, लोकसभा में कानून लाइए, जिस तरह से 370 धारा कश्मीर से खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया, उसी तरह से आप कानून लाइए कि जो गाय का हत्या करेगा, जो गाय का वध करेगा, उसको फांसी का सजा होगा। ये कानून लाइए, ये कानून लाइए अगर आपके कलेजे में दम है, लेकिन ये कानून नहीं लाएंगे, ये गौ माता का कानून नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे आपको हम बताना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में जितना गौ मांस का फैक्ट्री है, जितना भी गाय मांस बिकता है, विदेश जाता है, आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से भेद खुला 250 करोड़ रुपया चंदा गाय मांस के फैक्ट्री से बीजेपी ने लेने का काम किया। तो एक तरफ कहते हैं गौ रक्षा, गौ प्रेम की बात करते हैं, और एक तरफ गौ मांस के व्यापारियों से 250 करोड़ का चंदा, तो गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले से परहेज करते हैं, ये बीजेपी का असली चेहरा है।